एक गांव में एक बार जागरण लाग्यो। तो पहली क्या हो तो के बुढ़िया जगह लोग आबे जागरण सुनने चले जाता, बुढ़िया चाव हो जागरण सुनने को। तो यही एक दादा पोते की कहानी है। दादो आपके पोते ने आपके सागे रखा कर तो बहुत ही लाड़ चाव राख तो पोतो है जो दादे बिना रेम तो ही को नहीं। तो दादो जागरण सुनने की तैयारी कर ली, पोतो रोवे लाग्यो। तो दादो सोचो ले आप इन ले चला बैठो रेसी। दादो पोते ने सागे ले गयो और बड़े बिठा दियो ली जागे। अदो जागरण सुन लियो, दादा ने स्मेल सी आई। दादो सोचो बढ़िया गड़बड़ खटा होगी, इन्हें बिने ताक्यो जांक्यो। फिर आप वाला पोते पर निगाह गई तो पोते दा आपको जांग्यो भर्रा क्यों ठाडो गए लूँ और खेलन लाग रियो। दादो देख के बोले काम बिगाड़ दियो छोरा गया। तो दादो सोचो अभी ग्रेचा चलिया जाऊँगा तो राम को नाम सुनन आया, चलो सुन लेता थोड़ो बहुत। तो दादो क्या करो आपको पोता को पासो फेर दियो, मुंडो आपका नहीं कर लियो और पीठ ही ने कर दी। अब दादो छोरे के मुंडे का नहीं देखो तो सेपड़ लटकन लाग रहे हो एक बिलान को। तो दादो सोचो कि यार आ कहानी तो गड़बड़ होगी। तो दादो बोलो कले बेटा तू अपने हो भी यहीं ठीक हो, दादो बिंगो पाछो भी यहीं पासो फेर दियो, मुंडो जागने का नहीं कर दियो। वो सेपड़ लटका हो आदो मुंडा के माइन जा रहे हो, आदो मुंडा के ऊपर कर आ रहे हो, टाबर बुद्धि थान ध्यान ही है। तो इनको मतलब यो है कि जक्की परिस्थिति ना पटाड़ांगा तो अपन भी परिस्थितियों गंभीर परिस्थिति मिलेगी। तो दादो यहाँ सोच के कि चलो वो जांगे हम पढ़े है दिखे तो कोनी, यहाँ सोच के भी वो पास हो पलट दियो। एक बार एक गांव को आदमी शहर में घूमने गयो, काफ़ी घूमियो, हर प्रकार की चीज़ें देखी। घूमता घूमता भ्रमण करता करता अब देहाती आदमी हो, भूख लाग गई, भूख लाग गई, शहर में और की तो दिखो को नहीं, बाजार में रेड़ियां पर केला पड़ा सुना सुना। भूखो तो हो ही, दो तीन केला ले लिया और छोत का समेत ही खा गयो। अब बोड़ा खा लिया भूख मरतो मरतो, अड़ंगो डट्टियो हाथ को नहीं तो आजत होगी। अब गांवाम तो खींपड़ा उठे बैठ के आदमी कठे ही अगले, लेकिन शहर में वो सिस्टम को नहीं होवे। तो सारे कर एक आदमी गयो, सर पर टोपी लगा रखी। तो भी आदमी ने बोलो कि साहब थाने सोने को तोतो उड़ तो दिखाऊं। बोलो कठिन है, बोलो बो जा साहब। अब साहब जी तो इन्हें देखा लग गया वाली टोपी तार गए और बठे रोड गए ऊपर पोटी करके टोपी ऊपर मोदी मार दी। अब साहब जी बोले हमारा टोपी कट गई। बोलो कि मैं बार गांव को आदमी हूँ, मैंने अटकल है मैं तोतो पकड़ लियो और इथरी टोपी के नीचे ने सोने को है। बोलो हाँ। बोलो थे ध्यान राखियो साहब, मैं पिंजरों लियाँ अभी थे जान ना दी उखटी। अभी की तो समस्या ही हल होगी, हाजत और ही बापड़े गए वो तो जानते रहो। बटे धीरे धीरे एक आदमी दो आदमी या करता करता भीड़ जमा होगी। इब कोई शानो आदमी बोलो कि अरे पिंजरों तो केरो कद आओगो, टोपी तो उगाड़ो पकड़ ले श्या। अब बठे ही मैं लितरा लालची आदमी खड़ा सोचो सोना को तोतो है क्यों जान दिया, वह तो पकड़ लें आप पे। लड़ लड़ आगे एक जनों टोपी उठाई और दो तीन जना हाथ मारियो तो भी किचड़ गया माइन आंगली वर्गी। तो कनी कहो के अपा देर कर दी, सोने को तोतो हुमस गया माइन टोपी के तले ही गल गयो। एक कहानी है, एक माँ बेटो छोटो सो परिवार हो, एक माँ एक बाप और एक बेटो। तो बेटो जिकी चीज की मांग कर तो बिंग पूरी कर देता वह, क्योंकि एक ही बेटो लाडगो बेटो। तो एक बार बेटो कोई ने स्कूटर चलाता देख ले तो आपके बापुन बोलियो कि मन तो एक मोटरसाइकिल ले आगे दो। बापू थोड़ो कंजूस हो वो नट गयो, छोरो
रोंतो दोंतो आपकी माँ करने गयो, काफी जिद करी। माँ बापू बोलिया बेटा मोटरसाइकिल को के दन है, आजकल आदमी बोला मरे ओ भय सारा में बैठ रहे हो। लास्ट में बेटे की मांग ही इन्हें भी नूपी सा करके ला दियो। तो बेटो बोलो माँ थाने में दोनों बैठो मोटरसाइकिल पर घुमा के लाऊं। ताजा इसी केड़ो ले गयो दूर सफर में घुमाने। अब रोड के ऊपर यहाँ कोई गागो गोबर करेड़ो तो बीच में आयो जद बण ब्रेक मार दिया। अब ब्रेक मारा टायर गोबर पर फिसल गयो आर पड़ गया तो छोरे को सिर फूट गयो। छोरन लेके गया डॉक्टर कन। डॉक्टर थोड़ो यहाँ हाईफाई आदमी हो तो डॉक्टर बोलियो डॉक्टर आपकी जाना इंग्लिश पूरी आवती को नहीं, टूटी फूटी इंग्लिश में बोलियो ओ माई गॉड दिस इज बोर्ड फोंडा। तो छोरे की माँ सोचो ले डॉक्टर तो इंग्लिश बोले तो आपा नहीं लगे इंग्लिश में समझानो पड़सी। माँ बोली नो नो डॉक्टर साहब दिस इज बोर्ड फोंडा और चला रहा था हीरो होंडा। तो डॉक्टर सुन गया आज भी बेहोश है। मारवाड़ी की इंग्लिश है वो बहुत ही मजेदार है।